नमस्कार, जोहार, आदाब, प्रणाम। आप देख रहे हैं समाचार आज तक। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे गोड्डा के देवदार प्रखंड, जहां उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पट्टा काट के उद्घाटन किया। उसको हटा लो क्या ऊपर से ये और पतवार तो खुदाली दे दो हमारे माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित, हमारे माननीय विधायक प्रदीप यादव के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। माननीय विधायक जी के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलित, सिविल सर्जन महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलित, हमारे प्रमोद द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। प्रज्वलन में अभी हमारे सहयातियों द्वारा पढ़ाते हुए उनको सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आग्रह करते हैं श्रीमती दीपिका पांडे जी को 16 अगस्त उनको सम्मानित करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय कैबिनेट मंत्री, हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय प्रदीप यादव जी और महागामा क्षेत्र के विधायक माननीय दीपिका पांडे मैडम और हमारे क्षेत्र से चयनित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मंत्री जी द्वारा, और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि विभाग के मंत्री स्वयं यहाँ पर आकर के आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किए हैं। और आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आशा है कि आगे यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढंग से चलेगा और किसी भी प्रकार की यदि परेशानी है, कभी चलने में आपको कोई दिक्कत है, तो हमारा कार्यालय आपके लिए हमेशा खुला है। कभी भी आकर के आप हमें बता सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना माइक देना चाहूँगा और आगे के कार्यक्रम संचालन करेंगे। जहाँ पर मेटर्निटी होम, मेटर्निटी अस्पताल बनाकर उस एक फ्लोर को हम जो है वहाँ पर लिफ्ट लगाकर अपनी बहनों को वहाँ पर जो है प्रसव
की परेशानी नहीं हो इसकी व्यवस्था हम करना चाहते हैं। इसके लिए आपसे एक प्रतिवेदन मांगा है। हम कहना चाहते हैं कि 300 बेड का एक अस्पताल जो हम लोगों ने UCCLI से हम लोगों ने मांग किया है और वो देने पर भी सहमत है, उसका भी प्रतिवेदन हमने माननीय उपायुक्त महोदय से कहा है कि जल्द से जल्द आप दीजिए, उस पर हम लोग आगे पहल करेंगे ताकि यहाँ की जनता को जो है भागलपुर ना जाना पड़े, यहाँ की जनता को अन्य जगह ना जाना पड़े और उनको बेहद बढ़िया चिकित्सा उनको उपलब्ध हो। और इसके लिए बराबर हमने हमसे हमेशा आकर रांची में लड़ने का काम करती है, आपके हक के लिए झगड़ने का काम करती है, आपके मांग के लेकर प्रदीप यादव जी बराबर कहने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास देता हूँ, ये हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, हेमंत सोरेन की सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। ये जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेगी, जनता की न्याय उचित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। हमने यहाँ हमारे उपायुक्त को भोर सिंह यादव जी को आपके गुंडा गोंडा क्षेत्र में इसलिए भेजा है क्योंकि हमारे लिए उपायुक्त जो है वो आपने नारियल देखा होगा, नारियल जो होता है ऊपर से बहुत सख्त होता है और अंदर में नारियल बड़ा नरम होता है, अंदर गुदा होता है, वैसे ही हमारे उपायुक्त हैं कि वो बहुत सख्त है, कड़े हैं, लेकिन जनता की रक्षा और जनता के दुख तकलीफ के लिए वो अंदर का कोमल नारियल है, अंदर का भावुक इंसान है जो आपकी सेवा करने के लिए, आपके हक और आपके न्याय उचित बातों को पूरा करने के लिए सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपके तकलीफ को दूर करने के लिए बैठे हैं। इसलिए सख्त होना जरूरी, मदद करेंगे, सबकी ताली जोरदार बजनी चाहिए कि हमारे सब जनता की एक एक लोगों के लिए। और बहुत पुराना आपने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र के लिए सड़क बननी चाहिए, हम सबसे पहले ही डीसी साहब ने कह दिया कि सर यहाँ सड़क बड़ी जरूरी है, इसको PCC सड़क हम बनवा रहे हैं, तो ये मांग आपकी पूरी हो गई क्या? डीसी साहब आपके तो स्वस्थ करते हैं इन लोगों को बन जाएगा, बोल रहे कि बन जाएगा, जरा जो पहले ही कह चुके इनके ध्यान में है, बता रहे थे कि हम बूढ़ीपुरा गए थे, झिलवा गए थे, सौभाग्य होता है जिले का जब जिले में अच्छे पदाधिकारी आ गया तो हम सब सौभाग्यशाली है, कर्मठ नौजवान व्यक्ति हम सबको मिला है, बेहतर काम होगा, ईमानदारी से काम होगा। और जो इस क्षेत्र की डिमांड है आपके, मुझे तो याद है कुछ बच्चे तो छोटे हैं जो मेरे हम उम्र के हैं या नौजवान हैं कि हम जब 2000 में पहली बार MLA बने तो इस क्षेत्र का कुछ मांग नहीं था, इस क्षेत्र का एक ही मांग था, देवडाड़ वाले गोड्डा जाने में मुश्किल था, क्या गलत कह रहे कि सही? क्या जी दिलीप, सड़क पर मैंने कम से कम 3 से 4 फीट गड्ढा था, देवडाड़ मोड़ से गुजरता, एक गाड़ी चलती थी, सिंह जी क्या नाम था उनका, मदन सिंह, एक ही गाड़ी चलती थी, वो गाड़ी गाड़ी नहीं था, वो गाड़ी कभी इधर घुसता था कभी इधर घुसता था, ऊपर कोई डर से नहीं बैठता था। और यहाँ जिस इन गांवों में अगर कोई पेशेंट बरसात के दिनों में अगर पेशेंट कोई प्रेग्नेंट हो गई कोई महिला तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, मुश्किल से समझिए कि वो ऊपर जाने को ही तैयार रहती, कोई उपाय ही नहीं था। और इस क्षेत्र की जनता की है कि आपको MLA तो बना देंगे, आपका पहला काम होगा कि गोड्डा से सिद्धबाग तक सड़क कर दीजिए, बैरगोडी तक सड़क कर दीजिए, नदी पर पुल बना दीजिए, आप सबका दुआ हुआ, आशीर्वाद हुआ, ऊपर वाले का आशीर्वाद हुआ कि मंत्री भी बन गए और 1 साल के अंदर पूरी सड़क बन गई। अभी हमने सरकार के सामने ये बात रखी है और वो ये सड़क भी आपका देवगढ़ मोड़ से बैरगोडी होते हुए रामगढ़ तक ये सड़क भी PWD में कन्वर्ट हो रहा है। और हमें लगता है कि एक सर्वे हो भी चुका है, सर्वे वाले मेरे पास मिले भी थे, और इस सड़क को भी हमने रखा है जिस सड़क के बारे में कह रहे हैं, लेकिन करना तो सड़क